ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी। हे प्रभु कार्तिके, आपके भक्ति की शक्ति अनुपम है। इतने प्रहार के बाद भी आपके भक्त आपके भक्ति पर अड़क है। आपकी कृपा से यदि ऐसी अटूट भक्ति मुझ में भी जागृत हो जाती तो मेरा भी भय मिट जाता। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ जैन। धन्यवाद प्रभु। अवश्य उस कार्तिकेय ने तुम्हारी मति मार दी है। तुम्हें अपना सेवक समझ के तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु तुम्हारे दुस्साहस का दंड ये है कि तुम और तुम्हारे सहयोगी कारागार में एक बंदी रहोगे। ओम सुब्रमण्यम स्वामी। देवताओं, यहाँ पे कोई नाटक का मंचन नहीं हो रहा। जो तुम सभी ने अपना कार्य रोक रखा है, तुम्हारी भला इसी में है कि मेरी पूजा करते रहो। आप देव शिल्पी विश्वकर्मा मेरे ससुर जी, मेरी मूर्ति का पूर्ण निर्माण पूर्ण कीजिए। और तुम उस तुच्छ देवराज इंद्र के पुत्र, चलो वो कहो जो सदैव तुम कहते हो। बहुत हुआ बालक कार्तिकेय का गुणगान, अब पुनः मेरा गुणगान करो। आज ऐसा गान गा के मेरी प्रशंसा करो कि भाखन की भक्ति का राग भी फीका हो जाए। जयंत देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की प्रशंसा कर रहा है। हे बालक, बंद करो मेरे शत्रु का गुणगान। भूल गए कि मैं कितना भयंकर हूँ? क्या तुम्हें मेरे बल का भय नहीं है? मेरे समक्ष उसका नाम, क्योंकि प्रभु का नाम भी तुम्हारे बल से अधिक बलवान है। देखा नहीं, भाकन को तुमने इतना कष्ट दिया जो प्रभु का नाम लेते ही कितनी सरलता से दूर हो गया। बस शांत हो जाओ, मेरे सेवक हो जयंत। सेवक हूँ अवश्य हूँ, पर तुम्हारा नहीं, उनका हूँ जो परम ब्रह्म है, और उनके सेवक तो सभी हैं, तुम भी हो। अचानक मेरे सामने इतना कुछ कहने का साहस कहाँ से आ गया तुम्हें? साहस और बल की स्रोत तो भक्ति है, सच्ची भक्ति। और तुम्हें भी सुझाव है मेरा, तुम भी जाग जाओ सूरा पद्मन, भाखन के शब्दों को समझो, वो तुम्हें जागृत करने आया था। अब और एक शब्द नहीं। सूरा पद्मन ठहरो, भाखन के समान इस बुद्धि भ्रष्ट बालक पे समय नष्ट करना तुम्हें शोभा नहीं देता। डाल दो इसे कारागार में, जहाँ तुम्हें भगवान न मानने वाले भक्त ऋषि मुनियों को यातनाओं के लिए बंद किया है। उनके समान जब इसे भी यातना मिलेगी तब आएगी इसे सतबुद्धि। इन देवताओं को भी बंदी बना लो।
माता के आदेश का पालन करो, बंदी बना लो इन्हें। सूरा पद्मन, कैसे मूर्खता कर रहे हो तुम? ये बंधन, ये बेड़िया का खुलना तो तय है, किंतु तुम जिन बेड़ियों के बंधन में बंधे हुए हो उससे कैसे मुक्त होगे तुम? राज्य का बंधन, अहंकार का, दम का बंधन, क्रोध का बंधन, अपने इन बंधनों को पहचानो और लीन हो जाओ प्रभु भक्ति में। उचित कहा था भाखन, जहाँ प्रभु की भक्ति है वहाँ सभी बंधन स्वयं मिट जाते हैं। देखो मुझे, प्रभु की कृपा से मैं तुम्हारे भय के बंधन से बाहर आ गया और अब इन बेड़ियों के बंधन से भी बाहर निकल जाऊंगा, तो तुम भी अपने बंधनों को तोड़कर मुक्त हो जाओ। असुर सम्राट सूरा पद्मन, ले जाओ इन्हें, अन्यथा इसका अंत यहाँ पे ही करूंगा मैं। मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे शब्द व्यर्थ नहीं होंगे। कहा था मैंने, परम ब्रह्म प्रभु कार्तिकेय स्वामी का नाम ही पर्याप्त है मेरी रक्षा के लिए, कुछ नहीं होगा मुझे। गणेश, तुम्हारी योजना अब सफल हो रही है। बंदी होने पर भी देवताओं की कठिनाई अब कम होती जाएगी। अर्थात भ्राता, जो मैंने किया आप उससे प्रसन्न है? पूर्ण रूप से तो नहीं गणेश, किंतु हाँ प्रसन्न अवश्य। तो फिर आप मुझे यात्रा पर अपने साथ चलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि गणेश, यदि मैं तुम्हें अपने साथ ले गया ना, तो मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा। मैं इसी उलझन में उलझा रहूंगा कि तुम मुझसे क्या गुप्त रख रहे हो। अच्छा भ्राता, मैं आपके साथ यात्रा भले ही ना करूं, किंतु यहां पूजा तो आपके साथ कर सकता हूं ना। मैं आपको यहाँ की पूजा विधि, यहाँ की कथा सुनाकर इस पावन स्थान का महत्व बता सकता हूँ। उचित है, यदि यहाँ की कथा सुनाओगे तो मेरे साथ पूजा भी कर सकते हो। तो मैं आरंभ करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको इन चारों द्वारों के बारे में बताता हूँ। इन्हें गोपुरम कहा जाता है। यहाँ जो भी आता है वो गोपुरम पर प्रणाम करने के पश्चात ही प्रभु श्री अरुणाचलेश्वर के दर्शन करने भीतर जा सकता है। अग्नि ऊर्जा का ये प्रकाश अरुणाचलेश्वर लिंगम को आधार प्रदान करता है भ्राता। लिंगोद्भव घटना अर्थात वर्चस्व के संघर्ष की कथा से तो हम सभी परिचित है ना भ्राता। मैं पुनः स्मरण कराता हूँ, जब सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव और उसके पालनहार प्रभु विष्णु जी का आविर्भाव हुआ तो दोनों में ये विवाद छिड़ गया कि उनमें किसकी शक्तियाँ सर्वोच्च हैं। तब इसी की परीक्षा के लिए प्रभु महादेव प्रकाश पुंज के एक अनंत स्तंभ अर्थात अपने अग्नि लिंगम रूप में प्रकट हुए। एक दिव्य स्वर ने उन दोनों को निर्देश दिया कि वो उस अग्नि लिंगम के अंत को ढूंढे। तब प्रभु विष्णु जी नीचे की दिशा में गए और ब्रह्मदेव ऊपर की दिशा में। दोनों को अग्नि लिंगम का छोर नहीं मिला तो प्रभु विष्णु ने लौटकर अपनी पराजय स्वीकार कर ली और प्रभु महादेव ने उन्हें सृष्टि के अंत तक पूजे जाने का वरदान दिया। किंतु ब्रह्मदेव ने उस समय छल किया, उन्होंने केतकी को अपना साक्षी बनाया और उससे कहलवाया कि वो उसके ऊपरी छोर को देखकर आ रहे हैं। तब प्रभु महादेव उस अग्नि लिंगम से साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मदेव को श्राप दिया कि वो किसी भी उत्सव में अथवा पूजा के आयोजन में कभी पूजे जाने का सुख नहीं प्राप्त करेंगे। और दंड स्वरूप प्रभु महादेव ने ब्रह्मदेव का पांचवा शीश भी विलग कर दिया। तब ब्रह्मदेव और प्रभु विष्णु जी को ज्ञात हो गया कि वो दोनों नहीं अपितु अग्नि लिंगम सर्वोच्च हैं, जिससे स्वयं प्रभु महादेव प्रकट हुए थे और वो उसकी पूजा में लीन हो गए। प्रभु ने अग्नि लिंगम की स्थापना के लिए इस स्थान का चुनाव किया जिसे अरुणाचल गिरी कहा गया और समय के साथ
अग्नि ऊर्जा को सोखने के परिणाम स्वरूप अरुणाचल गिरी स्थान आरंभ में स्वर्णिम हुआ, फिर युगों के परिवर्तन होने पर वो तांबे का हुआ, फिर कांसे का, और कलयुग में वो पत्थर का हो जाएगा। किंतु इन परिवर्तनों से जो परिवर्तित नहीं होगी वो है उसकी दिव्यता, और वो सदा शिवलिंगम के समान पावन माना जाएगा। अग्निभूत लिंगम को अरुणागिरी से ही अपना नाम अरुणाचलेश्वर प्राप्त हुआ, और प्रभु अपने अग्निमूर्ति रूप में भक्तों को यहाँ दर्शन प्रदान करते हैं। और इस प्रकार ये स्थान एक पंचभूत स्थल बना भ्राता। गणेश, यहाँ तो मुझे पिताश्री प्रभु महादेव की उपस्थिति के साथ साथ माता की उपस्थिति का भी आभास हो रहा है। हाँ भ्राता, क्योंकि जहाँ प्रभु है वहाँ माता भी तो है। यहाँ अपने अन्नामलाई अम्मा या माता अपिता कुचाम्बाल देवी के रूप में माँ का भी वास है। अन्नामलाई अम्मा और माता अपिता कुचाम्बाल देवी? हाँ भ्राता, अन्नामलाई अम्मा जो पृथ्वी पर प्रकाश लौटा कर लाई थी। रुक जाइए, इन्हें कष्ट मत दीजिए। ऐसा घोर पाप करते समय आपके हाथ नहीं कांप उठते? ए बालक, शांत हो जाओ। या हमारे हाथ नहीं, असुर सम्राट प्रभु सूरापद्मन में जो विश्वास नहीं करता उसके हाथ ही नहीं, आत्मा भी कांपती है। यहाँ उनके नाम के सिवाय किसी का भी नाम लेने वाले की जीवा विलक कर दी जाती है। वो देख। प्रभु कार्तिकेय की जय। प्रभु कार्तिकेय। अपनी जीवा प्रिय है तो उस कार्तिकेय का नाम मत लेना। मेरे जीवा मुझसे छीन कर मुझे प्रभु का नाम लेने से रोक सकते हो, किंतु मेरे नेत्र तो फिर भी प्रभु दर्शन के लिए ललायत रहेंगे। तोषी नेत्रों का उपचार भी आता है हमें। बोलो, महाराज सूरापद्मन को भगवान के रूप में देखोगे? नहीं। चलो फिर भुगतो इसका परिणाम। ओम सुब्रमण्यम स्वामी। देखो, हे प्रभु कार्तिकेय, इन ऋषिवर पर कृपा कीजिए। कार्तिकेय का नाम भी लिया तो घोर दंड भोगना होगा तुम्हें। इसलिए अंतिम बार कह रहा हूँ बालक, कष्ट नहीं चाहते हो तो उसका नाम अपनी जीवा पे मत लाओ। बस एक बार प्रभु सूरापद्मन का नाम लो। उसकी जीवा, उसके नेत्र कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। उसके लिए तो केवल प्रभु की भक्ति का ही महत्व है। तुम यदि अंग भंग भी कर दो तो मन में जो प्रभु के प्रति भक्ति है उसे कैसे भंग कर पाओगे? मेरे ही नहीं, हम सभी के, यहाँ तक कि तुम्हारे भी रोम रोम में प्रभु का नाम है। उन्हीं के नाम से हम सभी के शरीर में जीवन का संचार होता है। उनका नाम है शरीर से कैसे विलग कर सकते हैं? जय प्रभु कार्तिकेय की जय। 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 बस बात हुआ। कदाचित कष्ट पाए बिना तुम रुकने वाले नहीं बालक, तो उचित है
ऐसा कष्ट दूंगा कि कार्तिकेय का ही नहीं अपना नाम भी भूल जाओगे। प्रभु कार्तिकेय की भक्ति में मिलने वाली पीड़ा भी प्रसाद के समान होगी। भक्त के प्रभु उसके सुख भी है और शांति भी। सुख को दुख में, चैन को पीड़ा में परिवर्तित करना मुझे भली भांति आता है। बालक है जयंत, उसे प्रताड़ित करेगा ये दुष्ट, ये कैसा अन्याय है। पुत्र जयंत, पुत्र जयंत, क्या हुआ माता, आप अचानक इतनी व्याकुल क्यों हो गई? मुझे आभास हो रहा है कि पुत्र जयंत अभी भी संकट में है। ऐसे में उसकी रक्षा कौन करेगा? माता चिंतित ना होइए, स्वयं स्वामी कार्तिकेय पिताश्री के साथ भ्राता जयंत को मुक्त कराने गए। किंतु मेरा पुत्र जयंत अभी भी संकट में है और कुमार कार्तिकेय की यात्रा पूर्ण हुई है या नहीं इसका भी हमें आभास नहीं, और इस अवस्था में कौन बचाएगा मेरे पुत्र को संकट से? कौन? संकट नहीं, महासंकट छाया है तुम पर। जिस प्रभु को तुम मानते हो, जिसका नाम तुम जाप करते हो, वो कार्तिकेय या ना है ना आ सकता है, फिर अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? यत्र तत्र सर्वत्र है मेरे प्रभु कार्तिकेय। संकट काल में संकटों से बचाने वाले प्रभु स्वामी कार्तिकेय है, जो प्रत्येक स्थान पर ना होकर भी सर्वत्र है। बालक कार्तिकेय पर विशेष दृष्टि रखनी होगी मुझे, इसे साधारण समझना मेरी भूल होगी। तो गणेश, हमें अन्ना मलाई अम्मा की महिमा से भी तो परिचित करवाओ। आप इतने उत्सुक हैं, तो मैं आपको माँ की कथा भी सुनाता हूँ भ्राता। इस कथा का आरंभ माँ और पिता श्री के एक सहज क्रीड़ा से होता है। एक दिन वो दोनों उपवन में विचरण कर रहे थे और अत्यंत आनंदित थे, किंतु उनका ये आनंद शीघ्र ही एक बड़ी घटना में परिवर्तित होने जा रहा था, जिस बात से माता उस समय अनभिज्ञ थीं।
माँ की उस क्रीड़ा के कारण जो अंधकार उत्पन्न हुआ उसके लिए माँ ने स्वयं को दोषी मान लिया और ग्लानी से भर गई। अरुणाचलेश्वर की कथा माँ और पिताश्री के बीच की एक क्रीड़ा से जुड़ी है। ये सहज क्रीड़ा सृष्टि में इतना भयंकर संकट उत्पन्न कर देगी ये उन्होंने सोचा नहीं था। माँ की उस क्रीड़ा के कारण जो अंधकार उत्पन्न हुआ उसके लिए माँ ने स्वयं को दोषी मान लिया और ग्लानि से भर गई। प्रिय, मुझे ज्ञात है आपका यह आशय कदापि न था, किंतु आपके द्वारा क्षणिक रूप से मेरे नेत्र बंद करने के कारण समस्त सृष्टि प्रकाशहीन हुई है। इस घटना के कारण समस्त ब्रह्मांड और पृथ्वी भी वर्षों तक अंधकार में डूबी रही। माँ अत्यंत दुखी और ग्लानि में थी और वो प्रकाश को लौटाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने यहाँ अरुणाचल गिरी पर आकर प्रभु महादेव की तपस्या आरंभ की। वर्षों के कठोर तप के पश्चात माँ की तपस्या पूर्ण हुई और प्रभु महादेव ने अपने अग्नि मूर्ति रूप में प्रकट होकर उन्हें अपने दर्शन प्रदान किए। प्रणाम प्रभु। क्या वरदान चाहती हैं आप? प्रभु, मेरी जिस सहज भूल के कारण समस्त संसार अंधकार में, मेरी वो भूल सुधारने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु और सृष्टि को पुनः प्रकाशित करने की कृपा कीजिए प्रभु। ऐसा अवश्य होगा। धन्यवाद प्रभु। मैं आपके द्वारा आपकी भूल को स्वीकार करने से और आपके तप से अत्यंत प्रभावित हूँ। मैं दिव्य प्रकाश का स्रोत अवश्य हूँ, किंतु उसे सृष्टि में लौटाने का दायित्व तो आप ही ने निभाया है। हमारी भागीदारी से ही सृष्टि का हित संभव है, इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि यहाँ आपके मंदिर की स्थापना होगी और यहाँ स्थापित आपके रूप को अन्नामलाई अम्मा के नाम से जाना जाएगा, अर्थात वो माता जिन्होंने सृष्टि को पुनः प्रकाशित किया। अर्थात जहाँ प्रभु वहाँ माता, तो दोनों एक दूसरे के श्रेष्ठतम सहभागी हुए ना। कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञाम यदि कातम कुर्या, अर्थात परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का पूर्ण दायित्व पति और पत्नी दोनों का होगा। जैसे माता अन्नामलाई ने महादेव की तपस्या की और प्रभु महादेव ने भी अग्नि लिंग से प्रकाश लाकर सृष्टि को उज्ज्वल किया, उसी प्रकार पति पत्नी जब साथ होते हैं तो सभी कार्य सरल हो जाते हैं। इसी प्रकार दोनों ही परिवार के पालन रक्षा और समृद्धि को बांट लेते हैं तो परिवार फलता फूलता है, और यदि किसी से कोई भूल हो भी जाए तो दोनों मिलकर ही उसे सुधार भी लेते हैं। अभी के लिए भ्राता को विवाह का महत्व समझाने के लिए इतना संदेश ही पर्याप्त है। और भ्राता, माँ की तपस्या के परिणाम स्वरूप पिताश्री के अग्निलिंगम के प्रकट होने
और प्रकाश के विस्तार होने के कारण यहाँ प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में उत्सव मनाया जाता है, जिसे कार्थिगई ब्रह्मोत्सव कहते हैं। अरुणागिरी के शीर्ष पर एक विशाल दीपक प्रज्वलित होता है, जिससे उत्पन्न प्रकाश उन साधारण जीवों को प्रभु के अग्निलिंगम के दर्शन कराता है, जो पृथ्वी से दिव्य अग्निलिंगम के अनंत विस्तार को देखने में असमर्थ होते हैं। अवश्य गणेश, ये कैसा अप्रिय प्रकाश है यहाँ? माता, ये प्रकाश इस बात का सूचक है कि प्रभु कार्तिकेय मेरे भ्राता की रक्षा कर रहे हैं और वहां हो रहे असुरों के अत्याचार को सहने की शक्ति दे रहे होंगे। प्रभु सुब्रमण्य स्वामी की जय। पुत्र जयंत, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम कारागृह से मुक्त हो गए, किंतु तुम जा कह रहे हो? और क्या अग्निदेव, सूर्य पद्मन को समझाने। नहीं पुत्र, उस दुष्ट को फिर से कोई अवसर मत दो कि तुम्हारा वो कोई अहित कर सके। मेरे रक्षक स्वयं प्रभु कार्तिकेय हैं, तो मुझे किस बात का भय? मेरे प्रभु सदा मेरे साथ हैं, इसलिए मेरी चिंता मत कीजिए। किंतु जो सत्य मैंने समझा है, उसे सूर्य पद्मन को समझाने का प्रयास करना मेरा धर्म है। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अनुज गणेश, एक बार पुनः तुम्हारे मुख से प्रभु कथा सुनकर मन अत्यंत आनंदित हुआ, किंतु अब हमें शीघ्र अति शीघ्र अग्निलिंगम पूजा संपन्न करनी चाहिए। रुकिए भ्राता, पहले यहाँ की उचित पूजा विधि तो जान लीजिए, क्योंकि पादुका धारण किए बिना, अपने ध्यान को भंग होने दिए बिना और किसी भी अवस्था में अस्त्र उठाए बिना अरुणाचल गिरी की प्रदक्षिणा से ही यहाँ की पूजा पूर्ण होती है। उचित है गणेश, मैं प्रदक्षिणा के लिए तैयार हूँ। चलो आओ। अब तैयार तो मैं भी हूँ तुम्हें रोकने के लिए बालक कार्तिकेय। मुझे चुनौती दे कोई, ये कदापि स्वीकार नहीं। तुम यहां मेरे कारागार से कैसे मुक्त हुए तुम, और बिना मेरे अनुमति के यहां पे प्रवेश कैसे किया? इतना साहस कहां से आया तुम में? यही तो समझाने आया हूं तुम्हें सूर्य पद्मन। जिस सूर्य पद्मन के बल का डंका धरती से लेके स्वर्ग तक गूंजता हो, उसे तुम ज्ञान देने आए हो, तुच्छ बालक तुम। आश्चर्य है बलशाली सम्राट, इसमें ना कोई आश्चर्य होना चाहिए और ना ही कोई संकोच होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति में छोटा या बड़ा नहीं देखना चाहिए, बस उसे सहज स्वीकार करना चाहिए। ये बालक जेष्ठ के साथ इतनी बात कहने का दुस्साहस कर रहा है। तुच्छ बालक, अब तुम मुझे भलाई और बुराई का ज्ञान दोगे? क्यों नहीं दे सकता, किसी को साहस करना ही पड़ेगा। यदि मैंने तुम्हें सत्य से परिचित नहीं कराया, तो तुम स्वयं ही सर्वनाश के पथ पर चलकर अपना विनाश सुनिश्चित कर अपना अंत कर लोगे। बस यही सत्य समझाने आया हूँ। भ्राता श्री, आप इस बालक को मुझे सौंप दीजिए। ऐसा समझाऊंगी इसे कि जन्म जन्मांतर तक आपका सम्मान करना सीख जाएगा। अच्छा, तो आज वो मेरे सम्मान की बात कर रही जो मेरे शत्रु के सामने अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाई। मेरी उस भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए ज्येष्ठ, और अब मुझे उस भूल को सुधारने का, आपकी सेवा करने का एक अवसर प्रदान कीजिए। सेवा करना चाहती हो मेरी, तो मेरे सामने आने की भूल मत करो।
मत भूलो कि मात्र एक नारी हो तुम, मेरे दया की पात्र। तुम ना तब मेरे लिए कुछ कर सकती थी, ना अब कर सकती हो। जाओ, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। और वैसे भी मैं इसके बड़े बोल सुन के मनोरंजन करना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं कि ये बालक जिसे मैं क्षण भर में मसल सकता हूं, मुझे क्या समझाना चाहता है। मेरे कारण आपके अपमान का कलंक मैं मिटाकर ही रहूंगी ज्येष्ठ। ये धूम्र का वातावरण क्यों है? नहीं नहीं अनुज, गणेश निश्चिंत रहो, अब तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। सब स्मरण है मुझे, पादुकाओं के बिना ही ये प्रदक्षिणा पूरी करनी। किसी भी कारण से ध्यान में भटकाव नहीं आना चाहिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, प्रदक्षिणा पूरी होने से पूर्व अस्त्र नहीं उठाने। जब संपूर्ण एकाग्रता, पूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ ही प्रदक्षिणा पूरी की जाएगी, तभी इसका उचित फल प्राप्त होगा। क्यों उचित है तो आओ। अरुणाचलेश्वराय नमः। हाथों में अस्त्र नहीं तो युद्ध नहीं, प्रहार नहीं, यही उचित अवसर है इन पर आक्रमण करने का। तो ये कार्य मुझे करने दीजिए माँ, मैं करूंगी इन पर आक्रमण। माँ मुझे आज्ञा दीजिए, महेंद्रपुरी के प्रति मेरे भी तो कुछ दायित्व है। मुझे भी प्रमाणित करना है कि एक असुरी नारी किसी असुर से कम नहीं है। तुम्हें ज्ञात भी है कि मैं किस पर आक्रमण करने की योजना बना रही हूँ? हाँ, वो बालक कार्तिकेय। वही कार्तिकेय जिसके एक साधारण योद्धा ने तुम्हारा हाथ विलग कर दिया था, अब तुम स्वयं उससे युद्ध करोगी? हाँ माँ, पिछले बार मुझे उसके शक्ति का अनुमान नहीं था, मैं तैयार नहीं थी, किंतु मेरा विश्वास कीजिए, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगी और पराजित होकर कदापि नहीं लौटूंगी। उचित तैयारी अर्थात? अर्थात माँ, इस बार मैं उसके दुर्बलताओं को ज्ञात करूंगी, फिर उस पर वार करूंगी। उसके भेद कौन बता सकता है, वो ज्ञात है मुझे। उचित है, किंतु स्मरण रहे ये तुम्हारा अंतिम अवसर है, इसे व्यर्थ मत गवाना। ओम सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी, ओम।
सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी ओम सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी। प्रभु की भक्ति का अमृत जिसे मिल जाता है उसे फिर और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। प्रभु मैं रजत की इष्ठा तो धन्य हो गई, मुझे आपकी भक्ति भी मिली और आपके दर्शन भी। अब तो मात्र एक ही इच्छा शेष है, आप मुझे इस जीवन से मुक्ति प्रदान करें। जो चाहिए वो मिलेगा तुम्हें, मैं दूंगी तुम्हें मुक्ति। इस भयंकर कारागृह में अपने जीवन के प्रकाश को अंधकार में नहीं बदलना चाहती तो बालक कार्तिकेय को लेकर जो भी जानती हो उसे अंधकार में रखे बिना सब बता दो मुझे। जिनके मन में सभी को लेकर प्रेम है, जो समझ संसार के हित को लेकर चिंता करते हैं, वो तुम्हारे शत्रु कैसे हो सकते हैं असुर सम्राट? क्या किसी के भ्राता का वध करने वाला उसका मित्र हो सकता है? वो मेरा मित्र कदापि नहीं हो सकता। मित्र से भी कहीं बढ़कर वो तो सर्वोच्च मार्गदर्शक है, भगवान है वो, जो दुष्ट पापियों को भी उचित मार्ग पर ले आते हैं, जिनके हाथों मिली मृत्यु भी प्रसाद के समान है। वाह वाह जयंत वाह, मेरा भ्राता दुष्ट और जिसने मेरे भ्राता का अंत किया वो भला है, वो भगवान है। भगवान ही नहीं परम ब्रह्म है वो। महादेव पुत्र ही नहीं, वो तो देवादिदेव महादेव के ही प्रतिबिंब है। महादेव कौन है, कैसे है, ये तो सर्वज्ञात है। और क्या बताऊं मैं तुम्हें इनके बारे में? बस बात को घुमाओ मत, जो भी जानती हो सब बता दो मुझे। ये अद्भुत है, अत्यंत बलशाली, अनंत ज्ञान सागर। तुम इन्हें देखोगी ना तो मंत्र मुग्ध हो जाओगी। सहस्त्र सूर्यों के समान तेजोमय है ये। उनकी नहीं मात्र उनके दिव्य तेज की दर्शन ही पर्याप्त है किसी के भी पापों को धोने के लिए। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। बस बहुत सुन चुका मैं उसका गुणगान, उसके बारे में सब जानती हूँ, तो बताओ उसकी दुर्बलता क्या है? दुर्बलताएं तो हम प्राणियों में होती है, वो तो सभी दुर्बलताओं के परे है। भगवान है वो, उनमें दुर्बलताओं को ढूंढने का प्रयास मूर्खता है। तुम्हारा क्रोध तुम्हारी बहुत बड़ी दुर्बलता है। बस बहुत हुआ तुम्हारा ये अनर्गल प्रलाप। प्रभु प्रभु का अपमान मुझे स्वीकार नहीं। तुम्हारे केशों में ही तुम्हारा जीवन है ना? तो जैसे तुम्हारे केश तुम्हारी दुर्बलता है, वैसे उस बालक की भी कोई दुर्बलता अवश्य होगी, वो बताओ मुझे। समय नहीं है मेरे पास, मेरे 5 अंक गिनने तक यदि तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे केश काट दूंगी, यही कारागृह में तुम्हारी भयंकर मृत्यु होगी। तुम 5 गिनो, मैं तुम्हारी गिनती के साथ प्रभु के बारे में 5 बातें बताऊंगी। 1, बोलो शीघ्र बोलो। उनका प्रथम परिचय, प्रभु कार्तिकेय स्वामी सर्वशक्तिशाली है, जिनकी यदि कोई दुर्बलता है तो उनके भक्त ही है। और उनका बल भी और उनके भक्त और उनके प्रति उनके भक्तों की ही भक्ति है। मुझे तुमसे ये उत्तर नहीं चाहिए। मेरे धीरज की और परीक्षा लेने का दुस्साहस मत करो, अन्यथा ये कष्ट तुम्हारे मृत्यु के साथ ही समाप्त होगा। 2 तो सुनो,
प्रभु कार्तिकेय सर्वव्यापी है, अर्थात वह सर्वत्र है। हम जो भी कर रहे हैं वो सब उनके दृष्टि के सामने है। इसलिए इस क्रोध को त्याग कर उनकी भक्ति करो, तब उनकी कृपा से तुम्हें उसका लाभ मिलेगा। शेष सभी प्रयास सर्वथा व्यर्थ है। व्यर्थ है तुम्हारा इस प्रकार मुझे कष्ट देना, इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा तुम्हें। भक्ति करो, उसी में तुम्हारी मुक्ति है। बस मुझे क्या करना है ये मत बताओ, अपनी रक्षा के लिए तुम्हें क्या करना है उसका विचार करो। तीन। प्रभु कार्तिकेय सर्वज्ञ है, संसार का कोई भी ज्ञान उनसे छिपा नहीं है। संसार में ही क्यों, समस्त ब्रह्मांड में जो भी है उसका संपूर्ण ज्ञान है प्रभु को। उचित अनुचित का भेद भी और किसके मन में क्या योजना है वो सब जानते हैं। इसलिए अभी भी समय है, समय याचना कर लो उनसे, करुणा सागर है वो। वो तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे, जैसे मुझ जैसी असुरी को कर दिया था। नहीं, ये उत्तर भी नहीं चाहिए मुझे तुमसे। जो मैं सुनना चाहती हूँ वो बताओ। मैं अगली गिनती गिन रही हूँ, शीघ्र बताओ। चार। चार। प्रभु कार्तिकेय प्राण दाता है, जीवन और मृत्यु दोनों के दाता है वो। इसलिए मेरा क्या, किसी का भी अंत उनकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो अपनी मृत्यु पर व्यर्थ विचार कर उनकी भक्ति का एक भी पल व्यर्थ नहीं कर सकता। वैसे भी मृत्यु के बाद तुम मुझे उनकी शरण में जाना है। इसलिए तुम मेरा अंत करने का प्रयास कर लो, किंतु मेरे प्राण तभी ही जाएंगे जब प्रभु की इच्छा होगी। उसकी इच्छा से नहीं, मेरी इच्छा से मृत्यु मिलेगी तुम्हें। यदि इस अंतिम गिनती पर भी तुमने मुझे कार्तिकेय की दुर्बलता नहीं बताई तो इसलिए अब जो करना शीघ्र करना, सावधानी से करना, ये अंतिम अवसर है तुम्हारा। पांच। पांच। तो सुनो, प्रभु कार्तिकेय विश्वेश्वर है, अर्थात विश्व के ईश्वर। संपूर्ण विश्व में जो भी घटित होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब उन्हीं के अनुसार है। इसलिए उत्तम तो यही होगा, उनके शरणागत बन जाओ, भक्त बन जाओ उनके। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। मुझे बालक कार्तिकेय के शरण में भेजने का प्रयास करने वाली स्वयं मृत्यु की शरण में चली गई। सत्य इस दुष्टा को ज्ञात नहीं, रजत केष्टा भगवान का स्मरण कर उनकी शरण में चली गई, अर्थात उन्होंने उसकी मुक्ति की इच्छा पूर्ण कर दी।
प्रभु की महिमा का ज्ञान होने पर मुझे विश्वास है तुम अपना अहंकार त्याग दोगे, उनसे क्षमा याचना कर उनकी शरण में आ जाओगे। मुझे पूर्ण विश्वास है वो तुम्हें क्षमा कर अपना शरणागत बना लेंगे। सुन लिए तुम्हारे निरर्थक शब्द, दया की मैंने जो तुम्हारी त्रिष्टता का दंड नहीं दिया। यहाँ का एकमात्र सर्वशक्तिशाली भगवान मैं हूँ, सुना पद्मन। और अब भगवान सुरा पद्मन के शरणागत तुम और तुम्हारे देवता बनेंगे मेरे शरणागत। चलो चरण छुओ मेरे और ले लो अपने इस नए प्रभु का आशीर्वाद, अन्यथा दंडित होने के लिए तैयार हो जाओ। दंड तो वो होगा कि मैं सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की शरण को त्याग कर किसी और का शरणागत बनू। ऐसे भयानक दंड की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, इसलिए आपका दंड स्वीकार है मुझे। किंतु अपने प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की शरण से पृथक होना नहीं। बल का ज्ञान तो तब होता है जब सामने दुर्बलता हो, और तुमने ही कहा था कि भक्त है उसकी दुर्बलता। उसी दुर्बलता को अपनी शक्ति बनाऊंगा मैं। दंड नायिका, प्रणाम असुर सम्राट। कहो, किसी देवी के समान नहीं दिखाई देती है ये? हम सभी वह प्रभु का अंश है, इनमें भी प्रभु का अंश है इसमें, तो अवश्य ये कोई देवी होगी, दंड की आसुरी देवी। अब देखना तुम्हें कैसा आशीर्वाद देती है। दंड नायिका समुद्रिका, आपकी इच्छा अनुसार इसे आशीर्वाद देगी। आप आज्ञा दीजिए असुर सम्राट। इतना कष्ट दो इसे कि ये स्वयं अपनी भक्ति को त्याग दे, और यदि ये ना हो तो छीन लो उसके प्राण इससे। जाओ बंदी बना लो इसे। प्रभु कार्तिकेय विशेश्वर है, जो होगा उनकी इच्छा से होगा, इसलिए मुझे सब स्वीकार है। स्वीकार तो मुझे भी है असुर सम्राट, आपका कार्य मेरे लिए जीवन मृत्यु के समान है, इसे मैं पूर्ण अवश्य करूंगी। अब मैं जहां इसे ले जा रही हूँ वहां से यदि ये लौटेगा तो आपका भक्त बनकर लौटेगा, अन्यथा कदापि नहीं लौट सकेगा। मैं अरुणाचल गिरी तो पहुंच गई। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। और अब पहुंच गई हूं तो इस प्रदक्षिणा को कदापि पूर्ण नहीं होने दूंगी। मुझे फिर आभास हो रहा है जैसे किसी बाहरी शक्ति का आगमन हुआ है यहाँ। हमें सावधान रहना होगा। मेरे अस्त्र बेलपत्रों में कैसे परिवर्तित हो गए, और वो इस बालक के चरणों में कैसे बिछ गए? विश्व में जो भी होता है उनकी इच्छा से होता है। ये सब जो हो रहा है वो भी उनकी ही इच्छा है, और आगे जो होगा वो भी उनकी ही इच्छा होगी। नहीं,
एक बालक संसार को नियंत्रित नहीं कर सकता। ये अवश्य किसी माया का परिणाम है। हाथों में अस्त्र नहीं तो युद्ध नहीं, प्रहार नहीं, यही उचित अवसर है इन पर आक्रमण करने का। ये अस्त्र नहीं उठा सकते, किंतु मैं तो अपने भीषण अस्त्र का वार कर सकती हूँ ना। मेरा ये अस्त्र अवश्य सफल होगा। अचानक से ये अस्त्र शस्त्र कैसे प्रकट हो गए? और प्रदक्षिणा के मध्य में देव सेनापति कुमार कार्तिकेय अपने अस्त्र भी नहीं उठा सकते। कोई आसुरी आक्रमण है ये, जिसे मुझे रोकना होगा। ये दुष्ट मेरे अस्त्र के सामने आ गया। उचित ही है, आज इससे मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। जय प्रभु कार्तिकेय। जीवन मृत्यु उनके ही हाथ में है। तुम्हारा तो अंत कर दिया था ना मैंने, तो तुम यहां कैसे हो सकती हो? नहीं नहीं, ये सर्वथा असंभव है। किंतु यदि तुम यहां हो तो इस बार मैं तुम्हारा अंत अवश्य करूंगी। ना मेरा वध किया तुमने, ना मुझे भस्म किया था। तुमने तो बस मुझे वो तन से मुक्ति दिलाई थी जिसका कोई लाभ नहीं था। स्मरण करो, मैंने कहा था जीवन मरण प्रभु के हाथ में है। मेरा समय और उद्देश्य दोनों ही पूर्ण हो चुके थे, इसलिए प्रभु ने मुझे अपने निकट बुला लिया। मेरी आत्मा तो पहले से ही प्रभु के शरण में थी। और तुम्हारी सहायता से अब उनके हृदय में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब कैसे संभव है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ जो भी शत्रु है उसे ढूंढकर उसका अंत करूंगा मैं। ओह, तो ये बालक कार्तिकेय बड़ा मायावी है। ये अपनी माया से मुझे यहाँ उलझा रहा है, जिससे ये वीर बाहु मुझे अपनी बंदी बना सके। किंतु ऐसा कदापि नहीं होगा। बालक जयंत, अब होगी तुम्हारी भक्ति की असली परीक्षा। Ha 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 ha!
तुम्हारे लिए प्रिय है और ना ही तुम्हारे पिताजी का वाहन है ये। अब ये हम असुरों का सेवक है और माता सुरासई ने अपनी मायावी शक्ति से इसे वश में कर लिया है, जिससे वो वही करता है जो हम चाहते हैं। इसलिए तुम्हें इतना प्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये तुमसे भेंट करने नहीं, तुम्हें कुचलने आ रहा है। किंतु यदि तुमने असुर सम्राट सुरापद्मन को भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया तो ये भयानक कर्ज अभी रुक जाएगा। बालक के सामने कैसे झुक गया? एक भक्त को दूसरे भक्त में भगवान ही दिखाई देते हैं और उसकी भक्ति भी जागृत हो जाती है। जागृत तो मैं करूंगी तुम्हारी भक्ति, वो भी भगवान सुरापद्मन के लिए। ये दोनों तो अब अपनी प्रदक्षिणा पूर्ण ही करने वाले हैं। ये तो मंदिर तक पहुंच गए, इसका अर्थ है इनकी पूजा भी संपन्न होगी। नहीं नहीं, मैं इस बार असफल नहीं होंगी। मुझे दुत्कार का पात्र नहीं बनना है, कुछ करना होगा मुझे। प्रभु कार्तिक के सर्वज्ञ है, संसार का कोई भी ज्ञान उनसे छिपा नहीं है। कहीं जो रजत केष्टा ने कहा था वो सत्य हुआ तो, कहीं ये वास्तव में शिव स्वरूप हुआ तो। नहीं, किसी भगवान का भय नहीं है मुझे। मेरा एक ही भय है कि मैं पुनः माता और ज्येष्ठ असुर सम्राट सुरापद्मन को निराश न कर दूं। मुझे तो ऐसा कुछ भयंकर उपाय करना होगा जिससे कार्तिकेय के बढ़ते पग वही थम जाए। ये पालक अचानक एक से अनेक कैसे हो गया और इनमें वास्तविक कार्तिकेय कौन है? मैंने जो पांच बातें कही थी उसमें दूसरी बात का स्मरण कर, मेरे प्रभु कार्तिकेय सर्वत्र वास करते हैं। देखो अपने चारों किस प्रकार मेरा कहा सत्य प्रमाणित हो रहा है। महावीर है कार्तिकेय, महाबली है कार्तिकेय। बार बार भ्रमित क्यों हो रही हूँ मैं?
जो असत्य है उसे सत्य क्यों मान रही हूँ मैं? इस तपती धूप में पैरों में चुभते कंकड़ों की चिंता किए बिना जिस निष्ठा और भक्ति भाव से ये दोनों भ्राता परिक्रमा कर रहे हैं ये इनके मुख पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इनकी प्रदक्षिणा समाप्त करने में अब कुछ ही समय शेष है। मुझे ही कुछ करना होगा जिससे ये रुकने पर विवश हो जाए। माँ को वचन दिया है मैंने, असफल होकर नहीं लौटूंगी मैं, किंतु मेरे पास समय नहीं है। सही कहा तुमने, अधिक समय नहीं है तुम्हारे पास, इसीलिए उचित निर्णय करो। स्मरण करो सर्वप्रथम मैंने क्या कहा था तुमसे, प्रभु परम ब्रह्म है, उनके भक्त बनने में ही तुम्हारी भलाई है। जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। ये बालक अपनी माया से भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, तो मैं भी इसको दिखा दूंगी कि मुझ में कितना सामर्थ्य है। इन उल्का पिंडों से भ्राता की एकाग्रता कहीं भंग ना हो जाए। प्रदक्षिणा पूर्ण होने तक भगवान कार्तिकेय तो अस्त्र भी नहीं उठा सकते, तो हमें इन अग्नि पुंजों को रोकने का कोई उपाय करना होगा। यदि देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का ध्यान तनिक भी भटका तो ये यात्रा अधूरी रह जाएगी। तिने हट का क्या लाभ, भूल जाओ उस भगवान को और सर्वशक्तिशाली असुर सम्राट सुरापद्मन को अपना भगवान स्वीकार कर लो। जीवन में साहस जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है मेरे लिए प्रभु की भक्ति, क्योंकि जिस प्रकार साहस के बिना जीवन नहीं उसी प्रकार प्रभु नाम बिना मेरा अस्तित्व नहीं। प्रभु को भूल जाना तो अपने प्राणों को भूल जाना समान है। यदि ऐसा है तो मेरी उस यातना को सहने के लिए तैयार हो जाओ जिसका तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। जिसका अनुमान मुझे नहीं उसका अनुमान तो मेरे प्रभु को है ना, तो मैं क्यों चिंता करूं? वो तो अभी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। देवगण चिंता मत कीजिए, आप सब आप अरुणाचलेश्वर धाम में हैं। यहाँ की दिव्यता किसी अशुभकारी शक्ति को यहाँ कोई अहित नहीं करने देगी, इसलिए आप सभी चिंता मुक्त रहिए। अब जो चाहती हूँ वो होकर रहेगा, अब चेष्ट मेरा सम्मान करने पर विवश हो जाएंगे।
तुम जो भी माया धर लो मायावी बालक, मेरा एक प्रहार तुम्हारी माया के साथ तुम्हारा भी अंत कर देगा। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। जो भक्त मन वचन और कर्म से पूर्णतः स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, भगवान सदैव और सर्वत्र उनकी रक्षा करते हैं।